हे हाउ इज इट गोइंग एवरीवन, माय नेम इज माधव और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं टिकटॉक के ऊपर। टिकटॉक इस्तेमाल करता है बीबी है, शर्म नहीं आती तेरे को? टिकटॉक पर रिएक्ट करके टिकटॉक प्रमोट करता है गद्दार यूट्यूबर। मारो क्या से क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे मारा किसने इतना ज्यादा। कोई ना कोई मेरे अलावा इस रूम में है जिसने मेरी अभी भी धुलाई करी है, पर जिस किसने भी गाइस मेरी धुलाई करी है ना अभी उसके हाथ बहुत ही छोटे छोटे हैं, मुझे लग गया था पता। वेयर अ सेकंड, इधर आइयो, तूने मुझे मारा, तेरी इतनी व्हाट द हेल इज दिस, इतने बुरे तरीके से तुझे किसने फाड़ दिया। ओह अच्छा मुझे अभी याद आया गाइस, मेरी और इस टेडी बेयर की दुश्मनी बहुत ज्यादा पुरानी है। तो गाइस बात है 2017 की, मैं अपने घर पे आराम से बैठकर कॉफी पी रहा था एंड इस टेडी बेयर को पता नहीं कौन सी मस्ती चढ़ी एंड इसने मेरे पर छलांग मारी, मेरी सारी की सारी कॉफी नीचे गिर गई। देन मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि मैंने इस टेडी बेयर का मर्डर कर दिया एंड मैंने उसकी एक वीडियो बना के ऑनलाइन पोस्ट कर दी। तब से लेकर आज तक तू फटा ही हुआ है, तुझे आज तक किसी ने सीला नहीं है। ओ गाइस पुअर टेडी, कोई बात नहीं तू टेंशन मत ले, मैं तुझे सीलने वाला हूँ। 1,00,000 लाइक्स इस वीडियो पर जब आएंगे ना मैं तुझे ऑन कैमरा सबके सामने सीलने वाला हूँ, समझा? नहीं भी आएंगे तब भी सील दोगे, तू टेंशन मत ले। और एक बात है, आइंदा से मेरे पे हाथ उठाने से पहले मेरी पूरी बात सुन लियो। गाइस आज हम लोग रिएक्ट करने वाले टिकटॉक माइनक्राफ्ट हैक्स के ऊपर एंड बेसिकली आज हम लोग चेक करने वाले कि क्या ये हैक्स यहाँ पर काम करते भी है क्या नहीं करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं बिना टाइम फोड़े। तो गाइस बढ़ते हैं अपने फर्स्ट माइनक्राफ्ट हैक की तरफ। ओके तो इसके अंदर इसने बहुत सारे स्टिकी पिस्टन्स का काम किया हुआ है एंड ये बहुत सारे इसने जेली वो लिए हुए है। ओके क्या करने वाला भाई ये, रेल लगा रहा है इसके ऊपर एंड देन बहुत सारी माइनकार्ट्स यहाँ पर प्लेस करी है। ओके भाई इसमें झूल रही है ऐसे करके राइट, ये रेड स्टोन का काम करने वाला है। सीरियसली मुझे आज तक अभी रेड स्टोन समझ नहीं आया माइनक्राफ्ट में, मैंने कभी भी कोई रेड स्टोन वाली कंस्ट्रक्शन करी नहीं है तो मैं इसको डेफिनेटली यहाँ पर सीखना चाहता हूँ। वाओ व्हाट द हेल, वेट अ सेकंड, तुम लोगों ने देखा इसने क्या किया? मैं गाइस इसकी स्पीड को एकदम कम करने वाला हूँ एंड अब मैं इसको स्लो मोशन में देखने वाला हूँ। वो ये कितना कूल लग रहा है, माइन कार्ड्स के साथ इस बंदे ने यहाँ पर एक पैटर्न बनाया हुआ है ऐसा ऐसा। गाइस सीरियसली बहुत सही लगने वाला है और मैं इसको अभी और इस वक्त ट्राई करने वाला हूँ अपने ओरिजिनल वर्ल्ड पे, कोई टेस्ट वर्ल्ड नहीं बनाने वाला हूँ मैं, बढ़िया सी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी इसको करने के लिए। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट स्पॉट मेरे पांडा लैंड के एकदम साइड में। हे एवरीवन, तो सारा का सारा सामान मेरा आ चुका है, यहाँ पर हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गाइस यहाँ पर प्लेस करने वाले स्टिकी पिस्टन्स एंड देन स्टिकी पिस्टन्स के ऊपर हम लोग प्लेस करने वाले स्लाइम बॉल्स, स्लाइम बॉल्स के ऊपर हम लोग कोई से भी ब्लॉक्स यहाँ पर प्लेस करने वाले हैं एंड देन उसके ऊपर शायद से हम लोगों को प्लेस करने थे ये रेल्स, देन कम्स आवर माइनकार्ट्स। ओके इसके बाद हम लोगों को क्या करना था मैं एक बार फिर से देखने वाला हूँ। इतने भी रिपीटर्स है इसको हम लोग नीचे लगाएंगे लाइक दिस एंड इन सारे के सारे रिपीटर्स को हम लोग यहाँ पे रेड स्टोन से कनेक्ट कर देंगे एंड इस रेड स्टोन की लाइन को कनेक्ट करते करते हम लोग यहाँ से बाहर निकाल देंगे लाइक दिस एंड में लगाएंगे हम लोग गाइस यहाँ पर एक बटन। एंड गाइस सीरियसली अगर यहाँ पर काम करेगा ना ये जो चीज है ना बहुत सही लगने वाली है, बट एक सेकंड यार उससे पहले हम लोगों को एक और काम करना है जो कि इनको तोड़ने का काम। जैसे इसको तोड़ेंगे तो हमारी माइनकार्ट्स यहाँ पर हमारे स्लाइम के ब्लॉक्स के ऊपर आ जाएगी। गाइस अगर यहाँ पर काम करेगा ये बहुत ज्यादा ऑसम लगने वाला है, लेट्स सी। मैं फर्स्ट टाइम इस चीज को अभी टेस्ट करने वाला हूँ। 3, 2, 1 वेट व्हाट What the hell is this? यहाँ पर काम क्यों नहीं किया? Okay, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करे हैं। इन रिपीटर्स को मैंने एक एक ब्लॉक खिसका दिया पीछे के लिए एंड इस रेडस्टोन को मैंने कनेक्ट किया इन स्टिकी पिस्टन्स के साथ। Now guys, let's see कि ये काम करता है कि नहीं करता है। Guys, मैं चाहता हूँ यार ये काम करे, मैं एक्चुअल उस वेव को देखना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके जय माता दी, प्लीज काम करिए उस बार, प्लीज जय हो। काम काम कर रहा है, तुम लोगों ने देखा कितना ज्यादा ऑसम लग रहा था ये। पर इसे सिर्फ एक ही बार वेव किया ना, मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता क्या? एक सेकंड, लाइक दिस मुझे बार बार बटन दबाने पड़ेंगे। बट गाइस ये वाला माइनक्राफ्ट हैक एक्चुअल में काम कर रहा है एंड बहुत ज्यादा ऑसम चीज है। वो तो बात करते हैं इस रेटिंग की, तो मैं इस माइनक्राफ्ट हैक को देना चाहूंगा 9 out of 10 बिकॉज एक बार मेरे पास काम नहीं किया, दूसरी बार मेरे पास काम किया एंड इट इज ऑसम। तो गाइस बढ़ा जाए अपने नेक्स्ट माइनक्राफ्ट हैक की तरफ एंड मैं इन वीडियोस को एक्चुअल में हाफ स्पीड में देखने वाला हूँ बिकॉज ये बहुत ज्यादा फास्ट है सीरियसली। ओके तो यहाँ पर ये क्या है? अच्छा आर्मर स्टैंड है, फिर से यहाँ पर रेड स्टोन वाला काम करे यार इस बार भी। वो वेट व्हाट, एक सेकंड, हम लोग यहाँ पे आर्मर स्टैंड तो बना सकते हैं आई नो,
बट हम लोग उसको डांस भी करवा सकते हैं। आई हैव नो आइडिया। मेरे हिसाब से गाइस ये फेक हो सकता है यहाँ पे, बट अगर गाइस हम लोग सच में कर सकते हैं बहुत ऑसम लगने वाला है। एंड मैं अपने वर्ल्ड में इसको इधर ही किधर बनाने वाला हूँ। ओके, इसको मैं बनाने वाला हूँ एकदम अपने घर के सामने यहाँ पर, ताकि ऑलवेज मैं इसको देख सकूँ। इस जगह को थोड़ा सा पहले हम लोग खाली करने वाले हैं। ओके, तो पहले रखेंगे दो ब्लॉक्स नीचे, दोनों के ऊपर रखेंगे आर्मर स्टैंड्स को, रेड स्टोन टॉर्च को यहाँ पे रखेंगे, इसको कनेक्ट करने वाले रेड स्टोन के साथ। यहाँ से रेड स्टोन को इसने आगे लिया हुआ है, एक यहाँ पे उल्टा एक यहाँ पे उल्टा। जैसे इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर मूव कर देना चाहिए। लेट्स सी गाइस। नो, व्हाई, व्हाट द हेल इज दिस, ये काम क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे। नाचो भाई, क्या कर रहे हो तुम दोनों, नाचो चुपचाप से। वो काम कर भाई, काम कर, तुझे पता भी है मैंने कितनी ज्यादा मेहनत करी है सारा का सारा सामान इकट्ठा करने में। अगर मैं इनकी पोजीशन को चेंज कर दूंगा तो शायद कुछ हो जाए। लाइक दिस, अब चलेगा, अभी भी नहीं चलेगा। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज कर दूंगा तो चलेगा, तब भी नहीं चलेगा। सो गाइस, ये माइनक्राफ्ट हैक एकदम बकवास है, एकदम बकवास। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इन दोनों के यहाँ पे नाश्ता हुआ देखने के लिए, बट मेरे सारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया इस माइनक्राफ्ट हैक ने। मच लेटर। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या किया है भाई, यहाँ पर इसके लिए काम नहीं कर रहा है। बट वेट अ सेकंड, इस बंदे ने मैंने भी ध्यान दिया कि पॉकेट एडिशन में खेल रहा है, तो अगर मैं भी यहाँ पर अपने बेडरॉक एडिशन में खेलूंगा ना तो शायद ही वहाँ पर काम कर सकता है। तो हम लोग वहीं पर जाकर अभी टेस्ट करने वाले इसको। ओके, तो वेलकम टू माय बेडरॉक एडिशन वर्ल्ड गाइस। आज हम लोग एक विलेज के पास है, यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ इसको, टेस्ट करते एक बार भाई काम करता है कि नहीं करता। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, बिकॉज मेरे रियल वर्ल्ड में तो काम किया नहीं। मैं रियली होप करता हूँ कि यहाँ पर काम कर जाए। इन 3, 2, 1, लेट्स चेक दिस आउट गाइस। ओ, काम कर रही है। ओ भाई, ये क्या मजाक है, बेडरॉक एडिशन में काम करता है लेकिन हमारे जावा एडिशन में काम नहीं करता है। ओह मैन, दिस इज सो कूल, सीरियसली गाइस, ये बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। अगर मैं इसको अपने ओरिजिनल वर्ल्ड पे कर पाता तो कितना ज्यादा अच्छा होता गाइस, तुम लोग देखो यार। ओह मैन, आई एम सो डिसअपॉइंटेड सीरियसली। ओके गाइस, तो ऐसा करते हैं दोनों के दोनों का हम लोग आर्मर बनाते हैं प्योर डायमंड का एकदम। ऐसा करते हैं जरा, मैं इसको क्रीपर का हेड लगाता हूं, इस वाले भाई साहब को मैं लगाने वाला हूं एक विदर स्केलेटन का स्कल। कितना सही लग रहा है इन दोनों को, मैं एक एक स्वॉर्ड भी पकड़ा देता हूँ। ओ मैन, ये बहुत ज्यादा फनी लग रहा है गाइस। लेकिन तो इस माइनक्राफ्ट हैक को मैं देना चाहता हूँ गाइस 5 out of 10, बिकॉज ओरिजिनल वर्ल्ड पे काम नहीं कर रहा है, बट स्टिल ये बहुत ज्यादा ऑसम है। तो गाइस बढ़ा जाए अपने अगले माइनक्राफ्ट हैक की तरफ। तो अगले हैक का नाम है गाइस सीक्रेट रूम ट्यूटोरियल। वाओ, मैं हमेशा से गाइस अपने वर्ल्ड में कोई सीक्रेट रूम बनाना चाहता रहा। लेट्स सी, देखे जरा भाई ये हैक काम करता है कि नहीं करता है। मीन सीरियसली, अगर ये काम करेगा तो भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। स्टिकी पिस्टन पे इसने लगाई है क्राफ्टिंग टेबल। ओके, ओ ये फिर से हमारी रेडस्टोन वाला सीन है। ओ वेट अ सेकंड, एक सेकंड एक सेकंड, इसने यहाँ पर क्या किया, स्टिकी पिस्टन पे चिपकाई है एक क्राफ्टिंग टेबल। ओके, एंड बैक साइड पे इसने यहाँ पर लगाया एक कंपैरेटर, देन स्टिकी पिस्टन को कनेक्ट किया हुआ रेडस्टोन के साथ, देन एक सीक्रेट बेस टाइप बनाया हुआ है यहाँ से नीचे। ओ एंड सामने के साइड इसने क्या किया हुआ है, एक आइटम फ्रेम लगाई हुई है। आई हैड नो आइडिया कभी हम आइटम फ्रेम के जरिए भी कोई ऐसा सीक्रेट पैसेज बना सकते हैं भाई। ओके, तो इसको मैं अपने वर्ल्ड में कहां पर ट्राई करूं। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने एक अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क बनाया था ना, जो कि हमारा इस इलाके के पास हो रहा है, तो अगर मैं यहां पर एक सीक्रेट पैसेज बनाऊं डायरेक्ट वहां पर जाने के लिए तो कितना ज्यादा ऑसम होगा। राइट, तो मैं यहां पर एक सीक्रेट पैसेज बनाने वाला हूं। ओके, मैंने एक छोटी सी जगह यहां पर खोद दी है, तो यहां से नीचे हम लोगों को वाला सीक्रेट पैसेज बनने वाला है। पहले मैं इस दीवार को कम्प्लीटली यहाँ पर ब्लॉक करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ एक स्टिकी पिस्टन को, स्टिकी पिस्टन के साथ मैं चिपकाऊंगा एक नेदर रैक को, लाइक दिस। ओके, यहाँ से मैंने एक जगह बनाई अंदर जाने के लिए, जहाँ पर मैंने छेद किया है इसके साइड में मैं लगाने वाला हूँ उस आइटम फ्रेम को। अगर मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, इस कंपैरेटर को यहाँ पे लगाता हूँ, इसको मैं रेड स्टोन के साथ कनेक्ट करता हूँ लाइक दिस। अगर मेरे पास कोई टूल होगा ना भाई, जैसे कि ये लगा देता है डायमंड के पिकएक्स। नाउ लेट्स सी गाइस, काम करता है कि नहीं करता है। नो नो, दिस इज नॉट वर्किंग। वेट, आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करी होगी यार। ओह, काम कर गया। यहाँ पर मुझे एक रिपीटर लगाना था। ओके, मैं समझ गया गाइस, इसको हटाएंगे यहाँ से। फाइनली यहाँ पर होने वाला है। And now guys, check this out. जैसे इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगा ये बाहर आएगा। एक छोटी सी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, मैं इसको एक बार जरा फिक्स करके आता हूँ। ये जो हमारा ब्लॉक है ना, यहाँ से बाहर निकल रहा है बेसिकली, जो कि हम लोग चाहते नहीं। हम लोग चाहते हैं इस दीवार के लेवल पे रहे, तो मैं इसको एक स्टेप पीछे के लिए खिसकाने वाला हूँ अभी। 75 years. Okay guys, तो मेरा पूरा का पूरा डिजाइन यहाँ पे तैयार हो चुका है। मुझे इसको कम्प्लीटली चेंज करना पड़ा यहाँ पे, बिकॉज जो हमारा पुराने वाला डिजाइन था वो थोड़ा ब्लेंड नहीं हो रहा था, वो सही ढंग से बैठ नहीं रहा था यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, मैंने एग्जैक्ट सेम क्राफ्टिंग टेबल वाला डिजाइन उठाया हुआ है। एंड नाउ गाइस, यू गाइस कैन क्लियरली सी, देखो अगर यहाँ पर कोई भी आता है एंड अगर किसी को शक भी होता है तो वो एक आधी बार इसको घुमाएगा, एक बार दो बार, स्टिल यहाँ पर मूव नहीं करेगी। अगर उसको ऐसे मूव करवाना है तो मल्टीपल टाइम घुमाना पड़ेगा। एंड देन गाइस, हमारा सीक्रेट पैसेज यहाँ पर रिवील होने वाला है।
अदरवाइज नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है सीरियसली, यहाँ से डायरेक्ट मैं जा सकता हूँ सीधा ही अपने सीक्रेट रूम की तरफ। ये है सीक्रेट माइंड रूम, जो कि डायरेक्ट मेरे इस घर को मेरे दूसरे अंडर वाटर हाउस के साथ कनेक्ट करता है। तो गाइस दिस ट्रिक इज ऑसम, इस ट्रिक को मैं देना चाहूंगा 10 out of 10। तो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल की तरफ। ये वाला आई थिंक हमारा कोई बैनर वाला है। इसने क्या किया, एक साइड के लिए पहले इसने व्हाइट बैनर को सेंटर पे रख के एक साइड पे ब्लैक डाई लगाई है, देन दूसरी साइड पे रख के इसको बेसिकली डिजाइन बना रहा है। देन हम लोग ऐसे करके बैनर की डिजाइन को चेंज भी कर सकते हैं। गाइस मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इस चीज के बारे में। एंड में इसने क्या किया यहाँ पे, ये कौन सा बैनर डिजाइन है, व्हाट द हेल, कितना क्रीपी लग रहा है ये, बट एट द सेम टाइम कितना ऑसम लग रहा है ये वाला डिजाइन। गाइस मैं इसको अभी और इसी वक्त ट्राई करने वाला हूँ, अभी और इसी वक्त। पक्की बात है गाइस, अगर मैं इस बैनर को यहाँ पर बना पाया ना, तो इसको गाइस मैं एक बहुत ही सही जगह पर इस्तेमाल करने वाला, तुम लोगों को बताता हूँ मैं अभी। बट सबसे पहले मैं अपने लिए बनाने वाला हूँ एक शीयर्स, बिकॉज आई नीड सो मच व्हाइट वूल, सॉरी गलती से लेफ्ट क्लिक हो गया था। ओके एंड अपनी इसी क्राफ्टिंग टेबल का इस्तेमाल करते हैं, एक व्हाइट बैनर बनाते हैं। अगर मैं इसको यहाँ रखूंगा तो क्या ये चेंज करता है, नहीं करता है, नो ये चेंज नहीं करता है, वाई। हम लोग बैनर का पैटर्न ऐसे करके चेंज नहीं कर सकते, बट ये लोग कैसे कर रहे हैं भाई। फिर लेट्स सी कि क्या मैं इसको लूम के ऊपर कर सकता हूँ। ओके इसने ये वाला बनाया हुआ था, एंड देन इसने फिर से यहाँ पर ब्लैक डाई डाल के ये वाला बनाया हुआ था, देन इसने फिर से यहाँ पर ब्लैक डाई डाल के आई थिंक ये वाला बनाया था। गाइस एक बार इसको चेक किया जाए जरा, नहीं ये तो वैसा लग नहीं रहा है बिल्कुल भी नहीं, मुझे एक बार फिर से इसको ट्राई करना पड़ेगा। ओके देन इसने गाइस एक राउंड वाला फिगर बनाया था सेंटर पे, एंड देन आखिरी वाला जो इसने डिजाइन यूज किया था शायद वो ये था। ओ बन गया, आर यू सीरियस, यस, ओ माय गॉड। ओ गाइस तुम लोगों को इसको देखना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है। एंड बहुत पहले मैंने अपने इस हेमलैंड देश का जो झंडा बनाया था वो ये वाला बनाया था, इसको गाइस मैं उतारने वाला हूँ। एंड यहाँ पर गाइस मैं अपना एक नया देश का झंडा लगाने वाला हूँ, जो कि है ये वाला झंडा गाइस। चेक दिस आउट, कितना क्रीपी लग रहा है, लेकिन है ना वो क्या नाम है उसका, हीरो ब्राइन की याद दिला दी इसने मेरे को। गाइस ये वाला माइनक्राफ्ट हैक बहुत ही बेस्ट है सीरियसली, बहुत ही अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग बैनर के पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। आई हैड नो आइडिया, मुझे बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है आज, एंड ये बहुत सही लग रहा है सीरियसली। मैं एक और बना के लाता हूँ दूसरी साइड के लिए भी। इस बैनर को हटाएंगे एंड यहाँ पर लगाएंगे। नाउ गाइस ये वाला हमारा ऑफिशियल हिमलैंड्स का झंडा बन चुका, जो कि एकदम यूनिक है। तो गाइस तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन बताओ कि क्या तुम लोगों को वीडियो पसंद आई, और तुम लोग ऐसे ही कुछ और वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहोगे। लाइक करो इस वीडियो को, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, हम लोग 5 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। एंड मुझे पूरा यकीन है जैसे मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा ना, विद इन 2 डेज हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, बिकॉज मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने वाले हो। तो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसी लगी है, और मैं मिलता हूं आप लोगों से ऐसे ही दास नेक्स्ट वीडियो में। तब तक शेयर गाइस, बाय बाय। ये क्या कर रहा हूं मैं।